Mumbai's iconic public transport authority, the BEST, has been in the news for its financial woes. But did you know that the transport undertaking has a network of routes connecting major hospitals in the city? Route 166 and 69 are two routes, among a few, that pass through the prominent hospitals of South Mumbai. ये रूट इसलिए डिज़ाइन बनाया गया था कि रेसिडेंशियल लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध हो और वैसे जो पुराने जो कॉटन मिल्स थे वहाँ पे शिफ्ट ड्यूटीज़ में काम करने वाले जो लोग रहते थे उन लोगों को शिफ्ट ड्यूटी ख़त्म होने के बाद लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग उनको काम पर आने के लिए और काम से घर पर जाने के लिए ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी कनेक्ट करता था. Two routes cover 10 hospitals between them. वडावा डिपो के अंदर स्पेशल रूट्स है जो रूट हॉस्पिटल्स को भी कनेक्शन करते हैं. यहाँ पे केम हॉस्पिटल है, ग्रोवर हॉस्पिटल है, वाड़िया हॉस्पिटल है. 69 के रूट की कनेक्टिविटी ऐसी है कि पीटी उद्यान से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चौक इसके दरमियान में वो रूट ऑपरेट होता है. Route number 166 was started in 1977, while Route 69 was launched in 1978. Over the years, the routes have been extended as well as truncated, but the core connectivity has remained the same. The BEST also designs new routes if a need so arises. 2016 में हम लोग ने 217 नंबर का रूट हम लोग ने चालू किया हुआ है. ये रूट दादर ईस्ट स्वामीनारायण टेम्पल से केम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, ग्रोवर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इसकी कनेक्टिविटी हम लोग ने दिया है. जब भी एकादा कोई नया रूट चालू करने का रहता है तो वो टाइम पे हम लोग का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के तरफ से एक सर्वे किया जाता है. वो सर्वे में हम लोग जो बस स्टॉप पर जो पैसेंजर्स जो खड़े रहते हैं तो उसको पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ जाना है. उसको बोलते हैं रूट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे. ये स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग ने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत जो पेशेंट लोग थे, गरीब पेशेंट थे, बाकी के जो कॉमन मैन थे उनको वो हमेशा टैक्सी से जाते थे. तो टैक्सी वाले कभी क्या है उनको बहुत ज़्यादा फेयर वे देते थे. ये जो पेशेंट लोग हैं इंडिया के हर एक कॉर्नर से ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं, केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल. The BEST operates 402 routes, but only one of them, the one connecting Churchgate with the Gateway of India, is profitable. The health routes too are subsidized by the transport department. बहुत सी routes loss मद में रहने के बावजूद भी हम लोग route चलाते हैं और 166 का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि ये route में college के students तो आते ही हैं, उसके साथ साथ जो बीमार लोग हैं वो भी उस रूट से प्रवास करके हॉस्पिटल में जाते हैं. तो वो इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है इस कनेक्टिविटी देने का. इन द फ्यूचर इफ सिटीजंस वांट न्यू रूट्स टू बी क्रिएटेड दे कैन राइट टू द बीएसटी रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम. जैसे जैसे हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लोगों के लेटर्स आते हैं कॉरपोरेटर से, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक से सिग्नेचर के साथ डिमांड आते रहते हैं तो हम उस रूट को देखते हैं वहाँ का लोकेलिटी वेदर इट इज़ फिजिबल. अगर वहाँ पे बस वर्दी है, गाड़ियाँ चल सकती हैं, लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, ये सारे हम लोग वहाँ पे सर्वे करते हैं और फिर वो पोटेंशियल के हिसाब से अगर हमको अच्छे पैसेंजर्स रिस्पॉन्स की उम्मीद रहती है कि जहाँ जल्दी से ये पैसेंजर्स बढ़ सकते हैं तो वहाँ पर हम रूट चलाते हैं. बहुत ज़्यादा लेटर की ज़रूरत नहीं है. अगर पोटेंशियल रहा और अगर उसमें कुछ एथेंटिक रहा, लेटर जेन्युइन रहा और उसमें जो है उनके पीछे जो मकसद है वो अगर सही ढंग से हमको समझ में आ गई कि रियल में इनके लेटर्स में हैं तो हम उस हिसाब से सर्वे करके उसके ऊपर प्रोसेस करना चालू करते हैं.